हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। बच्चों, और एक बार फिर हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं भौतिक विज्ञान, भौतिकी, फिजिक्स। फिजिक्स में जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग इसे एक वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही कम समय में ये वीडियो कम्प्लीट करेंगे बच्चों। और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और सबसे पहला जो है वो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके समक्ष, और सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें किसी प्रारूपी अर्धचालक के लिए, किसी प्रारूपी अर्धचालक के लिए तापमान में परिवर्तन के साथ प्रतिरोधकता के बदलाव को ग्राफ के द्वारा निरूपित भी करें। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता क्या होता है? तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद वाले क्षेत्र के चालक के प्रतिरोध को ही चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। मतलब कि एकांक लंबाई का जो है क्या होगा, तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्र होगा, और वहां चालक का जो प्रतिरोध होगा वही चालक का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, तो चालक की प्रतिरोधकता कहलाएगी। जैसे मान लिया जाए कि ये आप जो देख रहे हैं एक चालक है, क्या है, ये एक चालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जिनका आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का आवेश ऋणात्मक होता है, जिसका मान होता है -1.6×10⁻¹ कूलम। अब आप जो देख रहे हैं इसके अनुप्रस्थ काट की बात करते हैं बच्चों कि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यही अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट यही है, और इसका एकांक भाग, तो देखिए ऐसे ही न जाने कितने भाग ऐसे मिल मिल करके और इस परिपथ को बनाए हैं। अभी भी मैं बड़ा बना रहा हूं बच्चों, बहुत छोटी छोटी जो है ये अनुप्रस्थ काट मिल करके और क्या बना दी है, तो एक परिपथ का जो है वह रूप धारण कर ली है ना, बहुत ही सघन है ये। और ये अनेकों अनुप्रस्थ काट है, तो इतने सारे अनेकों अनुप्रस्थ काट का केवल एक काट, ये देखिए केवल एक काट एकांक कहलाएगा। तो अनुप्रस्थ काट का एकांक क्षेत्रफल होना चाहिए, उसकी लंबाई का एकांक भाग होना चाहिए, और इसका जो प्रतिरोध होगा वही इस संपूर्ण चालक का क्या कहलाएगा, तो इस संपूर्ण चालक का प्रतिरोधकता कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, तो इस संपूर्ण चालक का प्रतिरोधकता कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बखूबी और खूब बेहतरीन ढंग से यह समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप एग्जामिनेशन में छोड़ने वाले नहीं है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है बच्चों, और ताप के बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। इसका मुख्य कारण यह है कि ताप बढ़ने से अधिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाता है। जैसे ही ताप बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अधिक से अधिक संयोजी बैंड में चले जाते हैं, और जब संयोजी बैंड में चले जाते हैं तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब अगला जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि विभवमापी के सिद्धांत को लिखिए। क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि विभवमापी के सिद्धांत को लिखिए, दो प्राथमिक सेलों के विद्युतवाहक बल के तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रयुक्त विद्युत परिपथ का आरेख भी खींचना है। ध्यान दीजिएगा, विभवमापी के सिद्धांत को लिखना है। तो विभवमापी का सिद्धांत, इससे पहले भी आपको बताए हैं कि जब कभी भी एक समान अनुप्रस्थ काट के एक चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, क्या है, एक समान अनुप्रस्थ काट, अभी इस पर चर्चा किए थे, एक समान अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होगा, देखिए एक अनुप्रस्थ काट तो है ये रेड वाला, लेकिन इसके समान अनेकों जो है वो अनुप्रस्थ काट है, और इस समान अनुप्रस्थ काट के एक चालक में धारा जब प्रवाहित की जाती है तो इसके किसी भाग पर विभवपात यानी विभवांतर जो होता है उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जब एक समान अनुप्रस्थ काट के एक चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो इस स्थिति में इसके भाग पर विभवांतर उस भाग की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती नहीं बल्कि अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती क्या हो जाएगा, तो अर्थात भी समानुपाती आई, क्या हो जाएगा, भी समानुपाती आई। ये विभव मापी का सिद्धांत है, अर्थात भी समानुपाती आई का मतलब क्या हुआ, अगर भी समानुपाती
आई बताया जा रहा है, और यही बताया जा रहा है कि यह विभव मापी का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? तो विभव मापी का सिद्धांत है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यह विभव मापी का सिद्धांत है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर धारा कम, धारा क्या होगी? कम होगी, तो विभव भी क्या होगा? तो विभव भी कम होगा, तब ना समानुपाती। अगर धारा अधिक, ध्यान दीजिएगा, अगर धारा अधिक तो विभव भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। विभव भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। आप देखे भी होंगे बाबू, लाइट डिम बा, टीवी बंद कर दे जाना तो जर जाई। कैसे पता चलल? पता एकरा से चलल कि अगर लाइट डिम बा, धारा के प्रवाह कम बा, तो वोल्टेज कम हो जाए, तो टीवी जर जाई। ओकरा के उपयुक्त अगर विभव के वोल्टेज ना मिली तो टीवी जर जाई। दूसर का चीज बाबू हो बचबो, अगर वोल्टेज ज्यादा रही तब का कहल जाई बाबू हो बचबो, वोल्टेज ज्यादा बा टीवी बंद कर देना तो जर जाई। एकर मतलब का भइल कि अगर धारा के प्रवाह अधिक होई परिपथ में तो विभव अधिक हो जाई, आ विभव अधिक हो जाई तो टीवी जर जाई। टीवी के चाहे 220 वोल्ट, धारा के प्रवाह ज्यादा, तो धारा के प्रवाह ज्यादा तो विभव भी का हो जाई? ज्यादा हो जाई। यह विभव मापी के सिद्धांत। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आपको भली भांति ये समझ में आ गया होगा, और यही चीज यहाँ पर बताया भी गया है कि जब एक समान अनुप्रस्थ काट के एक चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके किसी भाग पर विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात वी समानुपाती आई तो है ही, वी समानुपाती आई। और देखिए यहाँ पर दिया गया कि विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती नहीं, बल्कि एक अनुप्रस्थ काट के एक चालक में धारा जब प्रवाहित की जाती है तो इसके किसी भाग पर जो विभवांतर होता है वह उस भाग में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब जो है वो हम देखेंगे तीसरा जो है वो प्रश्न, यहाँ पर ग्राफ के द्वारा निरूपित भी कर दिया गया है। बायो सावर्त के नियम के प्रयोग द्वारा आर त्रिज्या वाले एवं आई धारा वहन करने वाले अर्धगोलीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक चालक है और उस चालक का जो केंद्र है वो यहां मान लेते हैं कि ओ है, और इससे पी दूरी पर, इससे दूरी आर पर स्थित बिंदु पी पर हमें चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न क्या निकालना है? तो वैद्युत क्षेत्र का मान नहीं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो बच्चों बायो और सावर्त नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के द्वारा यह बताया कि यदि एक लंबे धारावाही चालक तार में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इस स्थिति में जो प्रवाहित होने वाली धारा होगी आई वह समानुपाती होगी उस परिपथ के अल्पांश भाग के, है ना? यानी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होगा? तो वह समानुपाती होगा अल्पांश भाग के। साथ ही साथ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह समानुपाती होगा उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ धारा प्रवाह के कारण उस परिपथ में वह समानुपाती होगा किसके? तो साइन थीटा की, और साथ ही साथ वह चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होगा किसके? तो एक बटा में आर स्क्वायर के। बच्चों जैसे ही हम इसको मिलाएंगे तो हमें इस परिपथ के अल्पांश भाग के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह मिलेगा आई डी एल साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर। जैसे ही हमें ये वैल्यू मिलेगा तो यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? तो डीवी बराबर हो जाएगा एक समानुपातिक नियतांक के, और हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा और बटे में कितना? आर स्क्वायर। तो डीवी बराबर क्या मिल गया बच्चों? डीवी बराबर मिल गया, अब के की जगह पर हम मान रख देंगे कितना? तो म्यू जीरो और बटे में फोर पाई, और हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा और बटे में कितना? आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक लंबे धारावाही चालक तार जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला कि जो डीबी है
उस dB का मान कितना आ गया, तो म्यू जीरो बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा और बाई आर स्क्वायर। अभी ये जो आप देख रहे हो यह उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है, लगभग सेम यही निकला होगा बायो सावर्त के नियम से, आप देख भी सकते हो इसका व्यंजक जो है यही निकला होगा आई डी एल साइन थीटा और बाई आर स्क्वायर, डी बी बराबर आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जहाँ के को जो है वो म्यू जीरो बाई फोर पाई मान लिया जाएगा अंतिम में, है ना, देख सकते हैं के बराबर म्यू जीरो बाई फोर पाई, तो डी बी बराबर कितना आ गया, डी बी बराबर आ गया म्यू जीरो फोर पाई आई डी एल साइन थीटा, क्या आ गया आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। तो सिंपल सा चीज है, हम जो कह देंगे वही सही होगा, समझे कि ना समझे, समझ गए तो अच्छा है। तो डीवी का ये जो मनवा देख रहा है ना बबुआ, यही आएगा बायो सावर्ट का नियम आएगा एग्जामिनेशन में 2024 के 12वीं के एग्जामिनेशंस में बिहार बोर्ड के द्वारा ये आएगा आएगा आएगा। तो इसीलिए इसको याद करेगा मेरा बच्चा, इसको याद कर लेना। अब देखो लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज में वही फिगर बनाएंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, इसमें तो आप लोगों को एक्सपर्ट बना दिए हैं। क्या है भाई, तो मान लेते हैं कि जो चालक है उसको एक्स वाई मान लेंगे कि एक्स वाई जो है एक चालक तार है जिसमें आई धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है, बह रही है। इस चालक के अवयव की जो अल्पांश लंबाई है वह डीएल है और इस अल्पांश लंबाई डीएल से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा जो है वह स्पर्श रेखा की दिशा में होती है और इस स्थिति में जो अल्पांश धारा होगी वह होगी आई डीएल। क्या होगी, आई डीएल। अल्पांश धारा क्या होगी, आई डीएल। इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि अल्पांश का जो भाग है उस अल्पांश भाग से आर दूरी पर एक बिंदु पी और वहां पर जो है हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसे ही हमें उस बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो बायो सावर्त का नियम कहता है कि बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र जो डीवी होगा वो क्या होगा, तो धारा अल्पांश आईडीएल के समानुपाती होता है अर्थात डीवी समानुपाती आईडीएल, और क्या होगा तो साइन थीटा के समानुपाती होता है अर्थात डीवी समानुपाती साइन थीटा, और क्या होता है तो बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है अर्थात डीवी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती होता है, तो dB समानुपाती एक बटे में r स्क्वायर, सबको मिला देंगे तो हो जाएगा I dl sin थीटा बटे में r स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हट गया मेरे लाल, तो क्या आ गया k, k से कर दिया तुमने कमाल और डायरेक्ट अब आपको व्यंजक मिल गया। तो आप लिख सकते हैं कि k एक समानुपातिक नियतांक है जहां k का मान SI पद्धति में म्यू जीरो बाई फोर पाई होता है और म्यू जीरो का मान माध्यम की चुंबकशीलता होती है, अतः dB बराबर म्यू जीरो बाई फोर पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर और सदिश रूप में dB बराबर म्यू जीरो बाई फोर पाई आईडीएल आर इंटू आर का क्यूब होता है। सदिश रूप की बात छोड़ दी जाए और dB का वैल्यू देखा जाए म्यू जीरो बाई फोर पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये जो है वो बायो सावर्त का नियम है। उम्मीद करते हैं कि आपको बायो सावर्त का नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर फिगर आप देख ही रहे हैं, इस फिगर को मैंने बताया ही। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पोलेराइड क्या है, इसके उपयोग को लिखें। ये 2009 में आया हुआ प्रश्न है, 2009 में आया हुआ प्रश्न कि पोलेराइड क्या है। अब की बार आएगा कि ध्रुवण किन पदार्थों से किया जाता है, प्रकाश का ध्रुवण किससे करना संभव है, आएगा याद रखिएगा। पोलेराइड अनपोलेराइड प्रकाश से पोलेराइड प्रकाश को प्राप्त करने की जो युक्ति होती है उसे ही क्या कहते हैं, पोलेराइड कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है निकॉल प्रिज्म, उपयोग क्या होता है तो पोलेराइड प्रकाश प्राप्त करने में इसका उपयोग होता है। तो पोलेराइड क्या होता है, तो जो अनपोलेराइड लाइट होता है जो अध्रुवित प्रकाश होता है उसको ध्रुवित करने में इसका उपयोग होता है, और वही युक्ति जो ध्रुवित करने में प्रकाश को उपयोग में लाई जाती है बबुआ उसी को कहते हैं पोलेराइड। और इसका उदाहरण क्या है, तो निकॉल प्रिज्म। निकॉल प्रिज्म का उपयोग क्या है, तो निकॉल प्रिज्म का उपयोग है पोलेराइड प्रकाश प्राप्त करने में इसका उपयोग होता है। अगला, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर विकसित रदरफोर्ड की परमाणु संरचना को समझाइए। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग के आधार पर
विकसित रदरफोर्ड की परमाणु संरचना को समझाना है। सबसे पहला पॉइंट, परमाणु के सभी धनात्मक आवेश अत्यंत अल्प भाग में संकेंद्रित होते हैं। दूसरा, पूरे द्रव्यमान जो थोड़े भाग में ही संकेंद्रित होते हैं, जिनका आकार का भाग एक बटा कितना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, एक बटा दस हजारवां भाग होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। नाभिक के चारों ओर का स्थान व्यवहारिक रूप से रिक्त होता है, सोने के नाभिक प्रकीर्णित प्रक्रिया में स्थिर होते हैं। अल्फा कणों के प्रकीर्णन की कुल संख्या तथा प्रकीर्णन कोण के बीच का ग्राफ परमाणु के नाभिक मॉडल के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी नाभिकीय रिएक्टर की संरचना की विस्तार से व्याख्या करें, तो ये बोर्ड मॉडल टॉपिक है, मैंने बताया था ना नाभिकीय रिएक्टर के बारे में, और ये भी 2009 में आया हुआ टॉपिक है, इस साल भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है, इस साल भी आ सकता है। तो वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। मेरे लाल, परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर क्या कहलाता है? तो सबसे पहले ध्यान देना, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा होगी कि नहीं होगी, और नाभिक का जब विस्फोट होगा तो बताओ कि ऊष्मा ऊर्जा निकलेगी कि नहीं निकलेगी। एटम बम फटता है तो ऊष्मा ऊर्जा निकलती है ना, तो वही है कि वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जाती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है मेरे लाल, उसे ही परमाणु रिएक्टर कहते हैं या उसे ही नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। अब बात करते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर काम कैसे करता है, कौन कौन से भाग होते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर का आप सबसे पहले ये प्रारूप देख लीजिए, इसमें एक नियंत्रक छड़ होती है, इसमें कंक्रीट भी होता है, इसमें ईंधन छड़ होता है, इस्पात बर्तन होता है, शीतलक होता है। शीतलक का बड़ा ही सुंदर काम है, विस्फोट होता है तो उसको शीतल करता है, उष्मा ज्यादा उत्पन्न होती है तो उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रक छड़ भी नियंत्रित करती है ना। इसके बाद एक एक करके इसका हम जो है वो व्याख्या करेंगे कि परमाणु रिएक्टर के प्रमुख भाग निम्नलिखित है। बड़ा ही सुंदर टॉपिक इस साल का गेस्ट क्वेश्चन, कोर यह यूरेनियम की छड़ों का बना होता है जिस पर एल्यूमिनियम धातु की एक परत चढ़ा दी जाती है। जो कोर होता है वह यूरेनियम का बना होता है और उस पर किसकी परत चढ़ा दी जाती है, एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दी जाती है। इसी कोर में ही विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप परमाणु ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। भैया सिंपल सा चीज देखो कि यूरेनियम का ही लक्षण है, तो यूरेनियम क्या है, तो यूरेनियम है रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब बताओ कि अगर ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो क्या इस रेडियो एक्टिव पदार्थ में जब विस्फोट होगा तो ऊर्जा ऊष्मा निकलेगी कि नहीं, या ऊष्मा ऊर्जा निकलेगी कि नहीं, निकलेगी। तो वह होता क्या है इसमें कोर में, कि यह यूरेनियम की छड़ों का बना होता है जिस पर एल्यूमिनियम धातु की एक परत चढ़ा दी जाती है, और इसी कोर में ही विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप परमाणु ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। किसमें? परमाणु ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। अब जब ऊष्मा के रूप में मुक्त होगी तो आगे क्या होगा, तो आगे ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी तो उसको मॉडरेट किया जाएगा। मॉडरेटर का उपयोग मंदक अभिक्रिया, भैया ज्यादा हो गया, विस्फोट ज्यादा हो गया, कंट्रोल करो, तो अब काम कौन करेगा, मंदक क्या करेगा, ध्यान सुनिएगा। रिएक्टर में एक ऐसा प्रबंध भी होता है जिसमें अवांछित न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाते हैं तथा नाभिकीय अभिक्रिया अनियंत्रित न हो पाए, नाभिकीय अभिक्रिया ज्यादा से ज्यादा हो करके ऊष्मा ऊर्जा न उत्पन्न कर दे ज्यादा, इसके लिए रिएक्टर के ईंधन में कैडमियम या बोरॉन की छड़ों को घुसेड़ दिया जाता है। कैडमियम और बोरॉन नाभिकीय अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा है उसको कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है ऊष्मा ऊर्जा, मतलब विस्फोट हो रहा है किसका, यूरेनियम का छड़ है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम का परत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एल्यूमिनियम का परत लगा हुआ है। आज जैसे ही विस्फोट हो रहा है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, मॉडरेट करता है इंग्लिश में मंदक। क्या करता है? अभिक्रिया को बंद करता है। विस्फोट ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल करो, क्या डालेंगे, बोरॉन का छड़, कैडमियम का छड़ डाल देंगे, जिसके कारण जो अवांछित न्यूट्रॉनों का अवशोषित
करने की जो क्रिया होती है वह संपन्न होती है और उन्हें प्रभावहीन यह कर देती है, इसीलिए इन क्षणों को मंदक कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मेरे लाल तुम बता दोगे तुरंत, क्योंकि धीरज सर से पढ़े बोरॉन और कैडमियम, तुरंत जवाब तुम्हारा रहना चाहिए कि बोरॉन और कैडमियम जो होता है क्या होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोलर का काम करता है, मॉडरेटर का काम करता है, मंदक का काम करता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है वो शीतलक, भैया विक्रिया ज्यादा हो रही थी, विस्फोट ज्यादा हुआ, विस्फोट को कम कर दिए क्या लगा करके, कैडमियम और बोरॉन की छड़ लगा करके, ऊष्मा तो रहेगा ना, ठंडा करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, गर्म ज्यादा हो गया है, ठंडा करेंगे किससे, तो कूलेंट से। कूलेंट को ही क्या कहते हैं, शीतलक। नियंत्रित नाभिकीय अभिखंडन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे एक द्रव में अवशोषित करके रिएक्टर से हटा लिया जाता है, और इस द्रव को ही क्या कहते हैं, शीतलक कहते हैं, कूलेंट कहते हैं। जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है उस ऊष्मा को एक द्रव में अवशोषित कर लिया जाता है, फिर द्रव को हटा दिया जाता है, यही द्रव क्या कहलाता है, कूलेंट, शीतलक कहलाता है। क्या कहलाता है, शीतलक कहलाता है। अब इसके बाद परिलक्षण क्या होता है भैया, इसका कैसे जो है वह शील्डिंग किया जाएगा, तो यह रिएक्टर का एक प्रमुख भाग है, हालांकि रिएक्टर के कार्य में यह कोई विशेष भूमिका नहीं निभाता है, यह रिएक्टर के कार्य में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाता है, बल्कि इसका कार्य ऊष्मा अल्फा किरणों और न्यूट्रॉनों को रिएक्टर से बाहर जाने से रोकना होता है, ताकि रिएक्टर के निकट काम करने वाले लोगों को कोई नुकसान न पहुंच पाए। यह लगभग 8 फीट मोटे एक विशेष प्रकार के कंक्रीट का बना होता है और यह रिएक्टर को ढके हुए रहता है। यह रिएक्टर को क्या किए हुए रहता है, तो यह रिएक्टर को ढके हुए रहता है, अर्थात परिरक्षण शील्डिंग का जो है वह मुख्य कार्य यही है कि भाई नाभिकीय रिएक्टर हो रहा है, नाभिकीय विस्फोट हो रहा है, तो नाभिकीय विस्फोट हो रहा है उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं बोरॉन और कैडमियम की छड़ लगा करके, फिर शीतलक के द्वारा, कूलेंट के द्वारा उसको कूल किया जा रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जब संपन्न हो रही है तो बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उन पर प्रभाव पड़ सकता है ना। फिर हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम गिरा, अनाभिकीय अभिक्रिया संपन्न हुई, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया संपन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुआ, उसका प्रभाव वहां के लोगों पर पड़ा, अपंग होने लगे। तो इस चीज को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, शील्डिंग का। तो यह रिएक्टर का एक प्रमुख भाग होता है, हालांकि रिएक्टर के कार्य में, रिएक्टर के अंदर कार्य में इसका कोई उपयोग नहीं होता, केवल यह शील्डिंग का काम करता है, कवरअप देने का काम करता है। सब अभिक्रिया कहां हो रही है, अंदर नाभिकीय रिएक्टर में। आइए क्या करता है, परिरक्षण रोकने का काम, मोटा दीवार होता है, कितने का ये मोटा दीवार होता है, तो 8 फीट मोटा, सोच के देखिए 8 फीट मोटा दीवार, 8 फीट मोटा दीवार, 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 5 इंच मेरी लंबाई होगी, मुझसे भी 5 फीट के बाद 3 फीट और ज्यादा, 3 फीट और ज्यादा, इतना मोटा दीवार होता है। किस लिए, केवल परिरक्षण के लिए, कि सारी अभिक्रियाएं अंदर हो रही हैं तो बाहर के लोग जो काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में, फैक्ट्री मतलब उस नाभिकीय रिएक्टर में, उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसलिए कंक्रीट का 8 फीट मोटा जो है वो एक विशेष प्रकार का यह दीवार बना होता है और यह रिएक्टर को ढके हुए रहता है ताकि वहां काम करने वाले लोग सुरक्षित रहें। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो काफी बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा, इसी तरह के वीडियोज को हम लेकर के आते रहेंगे और आपके लिए खूब मेहनत करेंगे, आप भी खूब मन लगा करके पढ़िएगा। निश्चित तौर पर हम लोगों का टारगेट अब की बार 90% पार निश्चित तौर पर ऐलान कर रहे हैं, मन लगा करके पढ़िए। अब कुछ नहीं है 90%, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं पढ़ रहे हैं तो जीवन में कभी नहीं पढ़िएगा बच्चों, इसीलिए जी जान लगा दीजिए, या तो करो या तो मरो, सिंपल सा चीज है, स्थिति का यही जो है वो आवाज है अब, कि या तो करो या तो मरो, मन लगा करके पढ़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।